हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं फ्रेंड? आई होप आप लोग ठीक ही होंगे। तो मैं आज आप लोग के साथ शेयर करने चल रही हूँ बहुत ही यम्मी और टेस्टी सी रेसिपी जो कि अंगूर से बनी हुई है। तो बने रहिए हमारे वीडियो में अंत तक, तभी आप देख पाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है एक कटोरी, मेजरमेंट किया एक कटोरी मैंने अंगूर लिया है। वजन से लगभग ये 250 ग्राम होगा अंगूर। और यहाँ पे मैंने इसे धुल लिया। धुलने के बाद आगे का जो काला वाला होता है उसे इससे मैंने कट कर दिया है। और अब हम डालते हैं एक मिक्सी जार में और यहाँ पे डालते हैं 1 चम्मच पानी और इसे बंद करके इसको पीस लेंगे। तो इसका जूस बहुत ही बढ़िया से बन के निकल आया है, आप देख पा रहे हो। मैंने पानी जो है थोड़ा ही ऐड किया है, आप चाहें तो ना ऐड करें, ऐसे ही जूस बन जाता अच्छा सा। तो आप एक छन्नी लीजिए जो कि मोटी वाली छन्नी हो, पतली छन्नी नहीं, जो चाय छानते उससे बिल्कुल भी नहीं छने गए। तो यहाँ पे मोटी छन्नी देखिए, नीचे से इस तरीके से रस निकल रहा है। तो यहाँ पे एक स्पून या कोई भी स्टिक से आप इसे ऐसे चलाते हुए अच्छे से छान लीजिए। अगर आपके पास छन्नी नहीं है मोटी वाली तो मैं आपको एक तरीका और बताती हूँ कि आप जूस कैसे निकाल सकते हो। तो ये देखिए, इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके आप छन्नी से भी अच्छे से जूस निकाल सकते हैं थोड़ा सा चलाते हुए। तो मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ। दूसरा तरीका ये कि अगर आपके पास कोई भी मलमल का कपड़ा हो जिससे आप पनीर वगैरह छानते हैं, उससे आप अंगूर का जूस बहुत ही अच्छे से निकाल सकते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे, देखिए अंगूर का जूस अलग हो जाएगा और इसके पल्प अलग हो जाएंगे। तो पल्प को भी आप पीस मतलब वो करके शेक वगैरह बना सकते हैं दूध में डाल के। तो आपको जैसा भी लगे, बाद में उसको हम कभी फिर से वीडियो बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने जूस को अच्छे से निकाल लिया है। उसके बाद मैं आप लोग को दिखाऊंगी नेक्स्ट तो मैं और क्या करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच भर के कॉर्नफ्लोर लिया है, मतलब 1 कप है, मेजरमेंट वाला कप है मेरा। तो इससे मैंने 1 कप लिया कॉर्नफ्लोर, उससे मैंने मुझे लेना है 3 कप यहाँ पर भर भर के जूस अंगूर का। तो थोड़ा सा मेरा ज़्यादा था तो मैंने इसे डाल दिया है। तो 1 कप में 3 कप जूस डालिए आप और इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए ताकि इसमें कोई भी गुठलियाँ या इस तरीके से कुछ ना हो, एक बराबर से अच्छे से मिल जाएगा ये अच्छे से। जैसे कि हम दूध वगैरह मिलाते हैं तो अच्छे से मेरा ये मिक्स हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर एक किनारे रख दूँगी। और उसके बाद मैंने यहाँ पे कांच की ट्रे ली है। आपके पास कोई भी ट्रे हो जिसमें कि आप बर्फी वगैरह जमाते हो, आप ऐसे ही घी से ग्रीस कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पे घी अच्छे से लगा के रख दिया है। अब मैंने लिया है एक पैन, इसमें मैं डालती हूँ उसी सेम चम्मच से जिस चम्मच से मैंने अंगूर का जूस लिया था, उसी से मैंने 2 चम्मच मुझे यहाँ पर चीनी ले लेनी है। तो यहाँ पर मैंने चीनी, आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास मोटी वाली हो तो कम ही भरिए, अगर पतली वाली चीनी जो बारीक वाली आती है थोड़ी कम मीठी होती है तो उसे आप थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है मैंने थोड़ा सा और ऐड कर दिया है। इसके बाद हम इसे मिलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे जब तक कि अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। तो देखिए यहाँ पे बबल्स आने लगे हैं और चीनी हमारी अच्छे से मिक्स भी हो चुकी है। तो अब हम यहाँ पर डालते हैं जो मैंने कॉर्नफ्लोर और अंगूर मिक्स करके रखा था वो, और हमें इसे अब 1 सेकेंड भी बंद नहीं करना है और लगातार चलाते हुए इसे पकाना है। तो ये देखिए इसमें इस तरीके से हलवे जैसे बनता जा रहा है, गाढ़ा होता जा रहा है। तो हमें इसे बिल्कुल भी बताया ना कि हाथ नहीं रोकना है, नहीं तो इसमें गुठलियाँ सी बन जाती हैं, तो वो नहीं बननी चाहिए। बहुत ही स्मूथली एकदम बिल्कुल जैसे हलवा हम बनाते हैं उसी तरीके से हमें इसे चलाते हुए, देखिए ये काफ़ी अच्छे से पक भी चुका है। पर इसका कलर जो है थोड़ा सा अंगूर वाला कलर आया ना, थोड़ा सा और भी अच्छा कलर देने के लिए आप यहाँ पे फूड कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर 1 ड्रॉप डाल दिया है, इससे इसका कलर बहुत ही प्यारा से आएगा। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, कलर अपने अकॉर्डिंग रखिए। आप चाहें तो सीधे ग्रेप्स वाला ही कलर रखिए। तो ये देखिए यहाँ पे जो है ये मेरा हलवा पक तो चुका है पर ये कढ़ाई नहीं छोड़ रहा है। तो कढ़ाई छोड़ने के लिए मुझे यहाँ पे डालना होगा 1 चम्मच भर के देसी घी। इससे क्या होगा कि आपके हाथ में भी नहीं चिपकेगा और उसमें भी नहीं। और मैंने यहाँ पे फ्लेवर के लिए थोड़ा सा डाल दिया इलायची पाउडर। वैसे अंगूर तो अपने आप में ही एक
अच्छा मतलब टेस्ट लाता है, लेकिन थोड़ा सा फ्लेवर आ जाएगा इलायची का, क्योंकि मुझे इलायची बहुत पसंद है। आपको कोई भी फ्लेवर पसंद हो आप डाल सकते हैं। उसके बाद जैसे कि मैंने बताया था, एक चम्मच घी यहाँ पे डाल दिया है। अब मैं हलवे को अच्छे से पकाऊंगी और ये जो है कढ़ाई छोड़ भी देगा और आप जब खाएँगे तो आपके हाथों में चिपकेगा भी नहीं और इसका कलर बहुत ही प्यारा सा आएगा। टेस्ट तो बहुत ही यम्मी होगा। मैंने एक बार बना के खा लिया, तब मैं आप लोग के साथ इसे दोबारा से ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जब मैं खुद पहले अच्छा कहूँगी तब मैं दूसरों को बता सकती हूँ। तो देखिए पैन बिल्कुल अच्छे से छोड़ दे रहा है, तो इसे बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं पकाना, नहीं तो ये पैन में ही जमना शुरू हो जाएगा। तो एकदम बिल्कुल देख रहे हैं इस तरीके से, जब बबल्स आने लगे कि बबल्स पूरी तरीके से खुल ना पाए, तो समझिए कि आपका ये हलवा बन के रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डाल दिया, जो भी ड्राई फ्रूट आप पसंद करते हो। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा काजू बादाम और चिरौंजी और नारियल डाल दिया है नीचे की तरफ, ताकि दिखने में अच्छा लगे और खाने में भी बहुत ही टेस्टी होता है। और इसे यहाँ पे मैंने डाल करके इस तरीके से सेट कर दिया है। अब हम इसे एक घंटे के लिए रख देंगे, बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएगा और जम भी बहुत जल्दी जाता है। तो चूँकि अभी गर्मियाँ आने वाली हैं, थोड़ी थोड़ी गर्मी पड़ने लगी, बहुत ज़्यादा गर्मी तो नहीं है, हल्की हल्की सी, तो थोड़ा सा टाइम लगा। एक घंटे बाद मैंने इसे पलट दिया, आप देख पा रहे हैं बहुत ही प्यारा अमेजिंग कलर आया है। और टेस्ट तो आप एक बार बना के खाएंगे तो कहेंगे वाह यम्मी, इसे आप फ्रिज में रख के हफ्तों खा सकते हैं। आपके घर कोई गेस्ट आ रहा है, आपको तुरंत कुछ अच्छा बनाना है, तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। इस समय अंगूर का मौसम भी है, तो आप ऐसी रेसिपी बना के खाइए। तो ये अंगूर का कराची हलवा बनके रेडी हो गया, बहुत ही स्मूथली, बहुत ही बढ़िया सा। ये देखिए इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा सा आया है। तो आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मेरी ये रेसिपी आप लोग को पसंद आई या नहीं। पीसेस आप रिकॉर्डिंग कर लीजिए, छोटे बड़े जैसे आपको करने हैं उस तरीके से कर लीजिए। तो लाइए मैं आपको एक तोड़ के भी दिखा देती हूँ कि बहुत ही आसानी से ये टूट जाता है और आपको दिखने में भी कितना फ्लफी लग रहा है। तो ये देखिए इस तरीके से ये बहुत ही अच्छे से टूट भी जाएगा, तो आपको कट करने की ज़रूरत नहीं, ऐसे भी तोड़ के आप खा सकते हो। तो वीडियो हमारी पसंद आती है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, ताकि हमारी वीडियो खूब वायरल हो जाए। ये वीडियो मिलते हैं इस तरीके से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड।